हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप शेयर टुडे में। आज हम डिस्कस करने वाले कैनरा बैंक लिमिटेड। इसे स्टॉक में देखें तो आज के दिन 10 रुपए की गिरावट देखने को मिली और ये स्टॉक 3% से भी ऊपर की गिरावट दिखाता हुआ नजर आ रहा है। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आ रहे हैं और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पे ट्रेड करके चलना चाहिए। सबसे पहले अगर हम टेक्निकल्स पर ध्यान दें तो इस स्टॉक में पीछे के एक सप्ताह में 3% की गिरावट देखने को मिली है, एक महीने में 2.5% की तेजी देखने को मिल रही है, 3 महीने में 6.5%, परंतु 6 महीने में इस स्टॉक में 7% से भी ऊपर की गिरावट देखने को मिली है, 1 साल में इस स्टॉक में 55% की तेजी देखने को मिल रही है और 2 साल के अंदर 97% की तेजी देखने को मिली है। तो लॉन्ग टर्म में देखें तो इस स्टॉक में एक अच्छा पॉजिटिव रिटर्न देखता हुआ नजर आ रहा है, परंतु अब स्टॉक के ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक गिरावट देखने को मिली है। स्टॉक का चार्ट पैटर्न भी देखें तो कुछ इस प्रकार का देखने को मिला है। स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखें तो स्टॉक में एक हाई बॉटम बनता हुआ नजर आया, 341 रुपीज, 341 रुपीज का इस स्टॉक में एक हाई बॉटम बना। ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहेगा। स्टॉक का नीचे का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है 270 रुपीज, 270 रुपीज का इस स्टॉक में एक डबल सपोर्ट बॉटम बनता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर आप इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनाना चाहते हैं तो अराउंड 290 रुपीज, 290 रुपीज के एक स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के लॉन्ग टर्म टारगेट अराउंड 340 रुपीज के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। अभी ये स्टॉक देखें तो एक सीमित दायरे में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक में एक रुकावट रेंज है 325 रुपीज, 325 रुपीज जैसे स्टॉक ब्रेकआउट देता है इस स्टॉक में एक मोमेंटम देखने को मिलेगा, इसलिए एक स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन बनाए और लॉन्ग टर्म का व्यू रखें। यहां से इस स्टॉक में 20-25% का अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।